पद में विरह में प्रेमियों की क्या दशा होती है इसको व्यक्त किया गया है। तो श्री गोपीजनों को इस समय चंद्रमा सूर्य की तरह दाहक लग रहा है कृष्ण के विरह में। तो ये कह रहे हैं कि इस दाहक चंद्रमा के दाहकता को, ज्वाला को सुंदर श्याम परम कोमल तुम क्यों सही है नंदन, कैसे सह पाएंगे, इसलिए इस समय मना कर दो यहाँ आने से, वृंदावन आने से। मधुर मोर पिक परुष प्रबल अति बन बन चढ़ी बोलत, सिंह ब्रिकल सन गाय बच्छ ब्रज बीथिन बीथिन डोलत। अर्थ तो आप लोग समझ ही रहे हैं। ये गोपी भाव है। कभी कभी श्री गोपीजन भगवान से कह रहे हैं कि नहीं आना ठीक नहीं है, पर सभी उक्तियों का भाव ये है कि वे जल्दी आ जाए तो ये सब दुख मिट जाएगा। उद्धव जी ने कहा कि कृष्ण का चिंतन करो, कृष्ण का ध्यान करो और इस प्रकार से कृष्ण के प्रेम में मत बहो। प्रेम बहुत दुखद है, इसमें मरण तक हो सकता है, शरीर छूट जाता है। तो गोपियाँ इसका उत्तर देती हैं। इसको मैं ऐसे बता रहा हूँ, गाएंगे दूसरे लोग। इस पद के पहले हैं, पृष्ठ 45 पर है, सबसे नीचे। उधो प्रीति न मरन विचारे, ये गाना नहीं है, ये प्रेम मरने की चिंता नहीं करता है। अब कहते हैं कि मरना पड़ेगा, भले मर जाएंगे हम लेकिन कृष्ण से प्रेम नहीं छोड़ेंगे। तो कई उदाहरण दे रहे हैं कि कौन मरने का विचार नहीं करता है, मर जाता है प्रेम में लेकिन कभी सोचा नहीं, प्रेम छोड़ा नहीं। उधो प्रीति न मरण विचार है, प्रीति पतंग जरे पावक परी, जरत अंग नहीं टारे। फतिंगे का प्रेम देखिए, अग्नि में पावक में आकर के जल जाता है लेकिन देह जलने पर भी वो हटता नहीं, जरत अंग नहीं टारे। प्रीत परेवा उड़त गगन चढ़ी, गिरत न आप संहारे। पक्षी का, सारस पक्षी का प्रेम देखिए, सारस पक्षी का एक जोड़ा बिछुड़ जाता है तो दूसरा जोड़ा अपने को आकाश में उड़ कर ले जाता है और पृथ्वी पर पटकता है कई बार। इसको तो हमने आँख से देखा है वृंदावन में, खिदिर वन में। एक पक्षी सारस बहुत उड़ता था, ऊपर जाता था और इसके बाद निश्चेष्ट अपने को पंख फैला कर के नहीं छोड़ता था, गिरता था जमीन पर। तो हमने सहदेव बाबा से पूछा कि ये कौन सा पक्षी है, क्यों ऐसे कर रहा है। तो वही बताए कि ये सारस पक्षी है। सारस पक्षी में चाहे स्त्री पक्षी चाहे पुरुष पक्षी कोई बिछोड़ जाए तो दूसरा उसका जोड़ा अपने को अब जिलाता नहीं है, अपने आप ऊपर उठ करके पटकता है शरीर को और इस तरह से 10-20 बार पटक करके और अपने जीवन को समाप्त कर देता है। इतना प्रेम है उसको अपने जोड़े से। मैं जब था खिदिर वन में, खैरा में, तो एक चैम्बर पर रहता था तो वहाँ से मैं देखा
इस प्रसंग को मैं आँख से देखा हूँ, मरते हुए पक्षी को अपने को पटक पटक करके आत्महत्या करते हुए। प्रीति परेवा उड़त गगन चढ़ी, देखो प्रेम सारस का, उड़त गगन चढ़ी गिरतन आप संभाले, और गिराता है अपने को, संभालता नहीं है। प्रीति मधुप के तकी कुसुम बसी, कंटक आप प्रहार है। और मधुप का भौरे का प्रेम देखो कि केतकी कुसुम पर बैठता है जिसमें बहुत कांटे होते हैं, कंटक आप प्रहार है, अपने आप कंटक का प्रहार वो सहता है, भौरा कांटे उसमें लगते हैं लेकिन फिर भी वो उसके फूल पर बैठता ही है। प्रीति जान जैसे पै पानी, जान अपन पौ जार, पानी और दूध का प्रेम देखो, पानी अपने आप को जला देता है दूध के साथ, जब दूध हटा जाता है तो उसमें पानी जलता है, तो पानी उसके पहले दूध का संग छोड़कर भाग नहीं जाता है। चूल्हा पर बैठाया जाता है दूध, उसके साथ पानी बेचारा जल जाता है लेकिन दूध का साथ नहीं छोड़ता है। आखिर दूध से अलग अपने आप हो जाए तो औंटने की क्या जरूरत पड़ेगी, लेकिन दूध जलता है गर्म होता है उसके साथ पानी पहले जलता है, पानी जब जल जाता है तो दूध गाढ़ा हो जाता है। जब वह इस तरह से दुख में भी महाज्वाला में भी जल जाता है और दूध का संग नहीं छोड़ता है तो हम कैसे श्याम सुंदर को छोड़ दें। उधो प्रीति नंबर अनविचारे, प्रीति जान जैसे पय पानी, जानी अपन पौजारे, प्रीति कुरंग नादलस लुब्धक तानी तानी सरमारे। प्रीति देखो हरिण का गीत के प्रति, शब्द के प्रति इतना प्रेम है कि तान तान करके बहेलिया कई बार मार मारता है लेकिन उस शब्द रस में ही विभोर रहता है। इस साक्षात बाण मारे बहेलिया लगे खच से और फिर भी उस दुख की परवाह न करके वो शब्द सुनता है, नाद रस शब्द रस। और प्रीति जान जननी सुत कारण को न अपन पौहार, प्रीति जान जननी सुत कारण को न अपन पौहार। और प्रेम देखना है तो माँ का प्रेम देखो बच्चे के प्रति, अपने उदर में रखती है बच्चे को, पालती है पोसती है। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि माँ जाड़े का भी दिन है लेकिन अगर बच्चा पेशाब कर देता है खाट पर बेड पर तो माँ उस पेशाब किए हुए ठंडे बेड पर सोती है और बच्चे को सूखे पर रखती है, इसका विचार नहीं करती है। और कभी कभी बच्चा माँ का स्तन काट देता है दांत होने पर, फिर भी उस दुख को नहीं गिनती है, बच्चे को दूध पिलाती ही है। ये प्रेम है बच्चे के प्रति, माता का प्रेम। तो क्या माँ कभी बच्चे को पटक देती है? अगर बच्चा उसके सिर पर भी पेशाब करता है तो क्या उसको पटक देती है? बल्कि लोक में तो कहते हैं लड़का के मूत चना इमृत है ना, सयाना आदमी चढ़ करके मुंह दे तो लड़ाई हो जाएगी लेकिन बच्चा यदि छोटा बच्चा है पेशाब कर देता है तो कोई क्रोध नहीं, उल्टे स्नेह ही होता है। तो ये प्रेम है माँ का। और इतना ही नहीं, वो सयाना भी होता है, कोई सेवा नहीं करता है, लोफर बन करके घूमता है, फिर भी माँ बेटे की चिंता करती है। बेटा कहीं चला जाता है चाहे भजन करे चाहे कुछ करे, माँ की सुधि नहीं लेता है, फिर भी माँ उससे प्रेम करती है। और वो जा करके कहीं कोई महामाया रख लिया और माँ से बात भी नहीं करते, माँ से प्रेम नहीं करते, फिर भी माँ बेटे की चिंता करती ही है।
और हमारी संस्था में इस्कान में तो इतने विरक्त हो गए लोग कि अब वो कहते हैं ये माता पिता माया है, शिक्षा देते दूसरों को, प्रीचिंग करते हैं, परिवार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, माता पिता माया हैं और स्वयं महामाया के साथ चल रहा है, यह आश्चर्य की बात है। तो महामाया स्त्री ही है ना, माता पिता माया नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं कहा गया है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, देवो मतलब भगवान, माता भगवान है, पिता भगवान है, ऐसे कह करके सेवा की जाती है। मातृ माया भव ऐसे कहे नहीं है। तो इस तरह से ये कहा जा रहा है कि बेटा माँ से प्रेम नहीं करता है, उसकी शुद्धि नहीं लेता है, लेकिन माँ बेटे के लिए ही मरती रहती है, देखा गया। ये सच्चा प्रेम है। भगवान से भी गोपियों ने पूछा कि तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक प्रेम करने पर प्रेम करते हैं और दूसरे कोटि के हैं जो प्रेम करने पर, जो प्रेम नहीं करने पर भी प्रेम करते हैं, और तीसरे कोटि के हैं कि प्रेम करने वाले या नहीं करने वाले, किसी से प्रेम नहीं करते। तो इसमें से आप कौन हैं, अब बताइए। हम लोग आपसे प्रेम करते हैं और आप हमें छोड़ करके वन में चले गए, तो आप किस कोटि के हैं? से मतलब भगवान अपने मुख से स्वीकार करें कि मैं कृतघ्न हूँ, मैं प्रेम नहीं कर पाता हूँ, भगवान से क्षमा मंगवाने के लिए गोपियाँ बात कह रहे हैं या प्रेम के रहस्य का उद्घाटन करने के लिए? तो भगवान कहते हैं सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, यहाँ कोई प्रेम नहीं है, न धर्म है, न सौहार्द है, कुछ नहीं है। ये तो बनिए का आदान प्रदान है, तुम दे रहे हो तो हम भी दे रहे हैं, तुम 10 रुपये से न्योता पुराए तो हम भी पुरा दें, ये तो कोई प्रेम नहीं हुआ। कोई प्रेम कर रहा है तब प्रेम करे, ये प्रेम नहीं। भगवान कहते हैं सच्चा प्रेम वहाँ है जहाँ प्रेम नहीं करने पर भी प्रेम किया जाता है। तो वहाँ उदाहरण देते हैं भगवान माता पिता का और संतों का, भगवान यही उदाहरण दिए। स्त्री पुरुष के जो बीच जो प्रेम है उसको प्रेम भगवान ने कहा ही नहीं, पर माता पिता के प्रेम को कहा कि ये प्रेम है। बच्चे प्रेम नहीं करते हैं सयाने होने के बाद भी, फिर भी माता पिता प्रेम करते हैं, या संत, कोई उनसे प्रेम करे या ना करे, वे सब सबके प्रति समभाव से प्रेम करते हैं। और प्रेम करने पर भी जो नहीं करते हैं, और नहीं प्रेम का तो कोई प्रश्न नहीं है, नहीं प्रेम करने पर प्रेम नहीं, दो चार प्रकार के हैं, आत्मा राम व्याप्त काम अकृतज्ञ गुरुद्रोह, चार प्रकार के लोग होते हैं जो प्रेम करने पर भी नहीं करते, न प्रेम करने वाले के साथ वो क्या करेंगे। तो आत्मा राम है, उनको पता ही नहीं है कि हमसे कौन प्रेम करता है और कौन हमसे झगड़ा कर रहा है, उनको पता ही नहीं चलता है। आत्मा राम है, आत्मा में रमण करते हैं, भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं, उनको तो पता ही नहीं लगता है। तो दूसरे श्रेणी को पता लगता है कि ये व्यक्ति हमसे प्रेम करता है, लेकिन वो आप्त काम होते हैं, उनकी जो कामनाएं हैं सब पूरी होती हैं, तो उनको कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस होता है कि कोई हमको कुछ प्रेम करे, दे ले। पता लगता है कि ये व्यक्ति हमसे प्रेम कर रहा है और ये व्यक्ति घृणा कर रहा है, लेकिन घृणा से न उनको कोई ऊब है और न प्रेम से कुछ लेना देना है। तो आप्त काम, आप्त माने प्राप्त काम, उनकी कामनाएं पूरी हो चुकी हैं। और इसके बाद भगवान अब संसारिक लोगों के बारे में बोलते हैं।
अकृतज्ञ गुरुद्रोह। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किए हुए उपकार को जानते ही नहीं हैं। अ माने नहीं, कृत माने किए हुए उपकार, ज्ञ माने जानने वाले, उनको पता ही नहीं चलता है। अज्ञता बस उनको पता नहीं चलता उनको। जैसे किसी किसी को ये कोई अनुसंधान ही नहीं है, ये एक नंबर के मूर्ख लोग जो कि माता पिता हमारा इतना उपकार किए हैं, जन्म दिए, पढ़ाए लिखाए, इस पर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं, को पता ही नहीं है, अज्ञ लोग। लेकिन कुछ लोगों को पता होता है कि माता पिता हमारी इतनी सेवा किए हैं, इनकी सेवा करनी चाहिए, पर फिर भी वे नहीं करते हैं। ऐसे लोग गुरुद्रोह, गुरुद्रोही, माता पिता से ही द्रोह करते हैं, विरोध करते हैं। परिवार के बड़े बूढ़े लोग कितना किए हैं, खास करके माँ, पिताजी और बड़ा भाई, ये चाचा, ताऊ, ये सब बहुत उपकार किए, लेकिन जानबूझ करके इनको उपकार करना नहीं, उल्टे द्रोह करते हैं। उनकी उपेक्षा कर देना ही द्रोह है। द्रोह का अर्थ ही नहीं कि उनके साथ झगड़ा मारपीट करे तब गुरुद्रोही माना जाएगा, केवल माता पिता के गुरु की उपेक्षा कर देना ही उनके साथ द्रोह करना है। ऐसे लोग ये चार प्रकार के होते हैं। तो अब आप कौन से श्रेणी में हैं? तो भगवान ने कहा कि नाहम तु सख्य, मैं तीनों में कोई नहीं हूं, मैं विलक्षण प्रेमी हूं। भगवान ने कहा तीनों में मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो भजन करने वाले, मेरा मुझसे जो प्रेम करते हैं उनसे भी प्रेम नहीं करता हूं। ना हम तो सख्यो भजतो जंतु भजा मीसा मनोवृत्ति वृत्ति, मैं चाहता हूं कि हमारी जो भक्ति कर रहे हैं, हमसे जो प्रेम करते हैं, उनकी अनुवृत्ति, उनके चित्त की धारा हमेशा मुझ में लगी रहे, तो इसलिए मैं प्रेम का उतना बदला नहीं देता हूं। अगर बदला दे दूं, उनके समान ही प्रेम करूं, तो वो कितना फूल जाएंगे, कितना मान करेंगे, तो तुम लोगों ने देख ही लिया। मैं चाहता हूं कि हमारे लिए लोग तड़पते रहें हमेशा, इसीलिए मैं मिल मिल करके भी छोड़ जाता हूं। गोपियों ने इसी पर प्रश्न किया था कि आप बुलाए अपने बांसुरी से और हमको छोड़ करके अदृश्य क्यों हो गए। तो भगवान कहे कि मैं इसीलिए हुआ कि मेरे मुझ में चित्त अखंड लगा रहे। जब कोई प्रिय वस्तु, प्रिय व्यक्ति मिल मिल करके बिछुड़ जाती है तो उसमें ज़्यादा चित्त का अभिनिवेश होता है। जब मैं आप लोगों के साथ था, राष्ट्रलीला में नृत्य कर रहा था, तो आपको गर्व हो गया कि हम सबसे सौभाग्यशाली स्त्री हैं, महान हैं, तब मैं छिप गया आपका अभिमान तोड़ने के लिए। ये लोक के लिए भगवान बोल रहे हैं, गोपियों के लिए नहीं। तो जैसे किसी व्यक्ति को जो निर्धन है, कुछ धन नहीं, कंगाल है, और उसको एकाएक बहुत धन मिल जाए और वो धन मिल करके फिर चला जाए, तो धन की चिंता में उसे न भूख लगेगी, न नींद लगेगी, वैसे ही मैं मिल मिल करके छिप जाता हूँ, भगवान ये सिखा रहे थे। तो भगवान उस समय उस मीटिंग में जमुना जी के पुलिन पर इस ये कहे कि माता पिता की प्रीति सच्ची प्रीति है। अरे पति पत्नी का जो प्रेम है ये प्रायः सच्चा नहीं होता है, एक मोह आकर्षण रहता है, लेकिन सच्चा प्रेम माता पिता का बच्चे के प्रति। तो उसी को श्री गोपिया कह रहे, प्रीति जान जननी सुत कारण को न अपन पोहार। माता का प्रेम, इसके साथ ही पिता का भी प्रेम समझ लेना चाहिए। बच्चा बीमार हो जाता है तो माता पिता डॉक्टर के पास ले जाते हैं, अपने पास पैसा नहीं रहता है तो ऋण ले करके भी बच्चे की दवाई कराते हैं।
ये तो प्रायः देखा जाता है। लेकिन बेटा ऋण लेकर के माता पिता की सेवा कभी किया ये नहीं देखा जाता। घर में है कुछ कर दिया, वो भी लोक के लज्जा से भय से करता है कि लोग क्या कहेंगे कि बाप गिरे हुए हैं और ये कुछ नहीं कर रहा है, तो उस भाव से करता है, प्रेम से नहीं करता है। है नहीं, बात बिल्कुल सत्य है। प्रायः ऐसी बात है, शायद कोई हजारों हजारों में एक श्रवण कुमार जैसा कुछ सोचता होगा, माता पिता के बारे में चिंता करता हूँ। जब बाजार भी आदमी जाता है, मेला जाता है, तो माता के लिए शायद ही कोई लाता होगा, लेकिन रानी के लिए सब लाते हैं, कुछ ना कुछ ला लेकर के आओ। और माता पिता घर पर हैं, चाहे पत्नी भी घर पर है, लेकिन अपने समोसा काट रहे हैं, खा रहे हैं बाजार। कभी ये इच्छा नहीं होती कि ले चले इधर। ये राक्षसों का काम है वास्तव में, इस तरह से पेटू बन करके जहाँ तहाँ खाना पीना और दूसरों को नहीं खिलाना, माता पिता को नहीं खिलाना। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि दो प्रकार के प्राणी है, एक असुर एक सूर। तो सूर वे हैं जो भगवान के भक्त हैं, देवता वे हैं जो भगवान के भक्त हैं, असुर स्तब विपर्जय। और जो भगवान के भक्त नहीं हैं वे असुर हैं। असुर का मतलब कोई शरीर से बनावट में भिन्न नहीं हैं, सब आदमी ही, लेकिन उसमें जो मनोवृत्ति है, गुण है, उसके अनुसार भगवान विभाजन किए हैं कि असुर है असुर है। सूर श्याम सो प्रीत गोपिन की कहु कैसे निर्वार है। सूरदास जी के शब्दों में श्री गोपियां कह रहे हैं कि हमारा प्रेम श्याम सुंदर से है, श्याम से है, हम कैसे उस प्रेम को हटा लें, कभी संभव नहीं। अब गायक बदल कर करना चाहिए। विद्यापति ठाकुर का पद है। Yeah.
संकेत। Thank you.
ठाकुर कहते हैं श्रीमती राधा रानी के भाव में, ललिता जी कह रही हैं राधा रानी से कि नंद कन्नंदन कदम्ब कतरु तर धीरे धीरे मुरली बजाओ। नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण कदम्ब वृक्ष के नीचे धीरे धीरे बंसी बजा रहे हैं और वो चले गए हैं जहाँ पर बैठना था, बात तय हुई थी। समय संकेत निकेतन वही सब बैठे हुए हैं और तुमको निहार रहे कि कब जाओगी। जो भी गोपी उस रास्ते से जाती है तो जन जन पूछे बनमार बनवार, सबसे पूछ रहे हैं तुम्हारे विषय में, तो तुमको जाना चाहिए। देखो
तुम भी मतिमान हो, बुद्धिमती हो, और मधुसूदन भी बुद्धिमान है, विद्यापति ठाकुर कहते हैं भनई विद्यापति सुनबर जवती, विद्यापति कहते हैं और ललिता जी तो समझा ही रहे हैं, विद्यापति जी ही समझा रहे हैं राधा रानी को। यह विद्यापति के शब्दों में ललिता जी कहती हैं कि तुम बुद्धिमान हो, देखो समय बीत रहा है और मधुसूदन विकल हैं, उस पथ से गुजरने वाली प्रत्येक गोपी से पूछ रहे हैं तुम्हारे विषय में। तो भनई विद्यापति सुन बर जवती, हे सुंदर ज्योति, बंदह नंद किशोर, नंद किशोर की वंदना करो, था जो चाहते हैं तुम करो, जाओ उनके पास। यह पद राधा बाबा को बहुत प्रिय था, हमेशा सुनते रहते थे। नित्यानंद जब जाते थे तो ये तो जरूर इस पद की चर्चा करते थे और सुनते थे। ये कभी कभी कहते थे क्या गाऊं क्या गाऊं, तो संकेत था नंद का नंद माँ यही गाओ। तो सबसे बड़ी बात है कि एक महान वैष्णव कवि का ये लिखा हुआ है, भक्त का, जिनके कविता को भगवान भी सुनते थे, चैतन्य महाप्रभु, भाव विभोर हो जाते थे। विद्यापति ठाकुर, जयदेव जी का गीत गोविंद और चंडीदास का गीत, विरह बिथाए प्रभु राखय पराम, स्वरूप दामोदर जी का गान और राय रामानंद जी की कृष्ण कथा, रामानंदर कृष्ण कथा स्वरूपेर गान, विरह बिथाय प्रभु राखय पराम। स्वरूप दामोदर गोस्वामी गाते थे, स्वरूप दामोदर जी, तब ये विद्यापति ठाकुर के पद, चंडीदास के पद और जयदेव जी के पद, यही मुख्य रूप से गाते थे। तो स्वरूप का गान और राय रामानंद की कृष्ण कथा, यही दोनों चैतन्य महाप्रभु के प्राण बचाते थे, नहीं तो विरह में वे ऐसे कहा नहीं जा सकते, शरीर छोड़ देते, लेकिन बहुत दुर्दशा थी। इतना प्रिय गीत लगता था भगवान चैतन्य महाप्रभु, खास करके विद्यापति ठाकुर के जो संयोग के पद हैं, इससे उनको बहुत सुख मिलता था। विरह में व्याकुल रहते थे, पर संयोग के पद को सुन करके तुरंत सुखी हो जाते थे। जगन्नाथपुरी में भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में रहते थे, तो उद्धव जी ने जब उपदेश दिया गोपियों को कि तुम्हें ध्यान करो कृष्ण का, वे सबके हृदय में है, सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, उनको देखने का प्रयास छोड़ करके और ध्यान करो, ध्यान में भी कम सुख नहीं है, वो बताए बहुत सुख है, कहाँ कहाँ देखते चलोगी, वो तो अपने कार्य में फंसे हैं, कंस का वध किए, मथुरा का राज मिला, कहाँ कहाँ घूमेंगे, अभी गाय चराने और तुमसे मिलने के लिए यहाँ थोड़े आएंगे, उनको फुर्सत ही नहीं है, उद्धव जी ये कहे। तो एक प्रकार से गोपियों ने ये समझा कि ये हमें जोगी बनने के लिए कह रहे हैं, ध्यान करने के लिए कह रहे हैं, तो ध्यान के लायक और वेशभूषा भी होनी चाहिए। तो इसको गोपियाँ कह रही हैं कि अरे उद्धव, तुम और बात में बहुत सयाने हो, लेकिन अबलाओं के विषय में अयाने हो। पद 46 पर है एक गीत, मधुकर महाप्रवीण सयाने, हे मधुकर, तुम्हें और विषय में महाप्रवीण हो, दक्ष हो और चतुर हो, परंतु
स्त्रियों के विषय में, स्त्रियों को क्या करना चाहिए, उनके हृदय की गति को जानना, उनके भाव को जानना, इस विषय में तुम बिल्कुल अज्ञ हो। भ्रमर के ब्याज से उद्धव जी से बात कर रहे हैं। मधुकर महाप्रवीण सयाने जानत तीन लोक की बातें, अबलन काज अयाने, ऐसा नहीं आया अ है, अबलन काज स्त्रियों के कार्य को करने में, तो स्त्रियों का जहाँ मतलब सधता है उस विषय में तुम बिल्कुल अज्ञ हो, और कार्य में तेज हो, न्याय शास्त्र पढ़ करके स्वर्ग से आए हो, बृहस्पति जी के शिष्य हो, बहुत बुद्धिमान हो, मधुकर महाप्रवीण, महाप्रवीण हो, लेकिन महाप्रवीण हो, सयाने हो, चतुर हो, जानत तीन लोक की बातें, तीनों लोक की बात जानते हो, किस लोक में क्या व्यवहार होना चाहिए, स्वर्ग में जब पढ़ करके आए हो तो इस लोक में भी सब जानते हो, लेकिन अबलन काज अयाने, अबलाओं के विषय में, स्त्रियों के विषय में तुम अयाने हो, अज्ञ हो, इसीलिए तो ऐसी बात कर रहे हो। उदाहरण देती हैं, जे कच्छ कनक कटोरा भरी भरी मेलत तेल फुलेल, जिस केस में हम कटोरा में तेल भर भर करके लगाती हैं, वैसे जानते हैं स्त्रियां ज़्यादा तेल लगाती हैं क्योंकि उनका बाल बड़ा बड़ा होता है, इसमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत होती है, तेल फुलेल, तेल लगाती हैं, फुलेल लगाती हैं, फुलेल क्या चीज़ है, किताब रहता तुम्हें बताता है, तेल लगाती हैं, फुलेल लगाती हैं, मतलब बहुत अपने शरीर को सजा करके रखती हैं, या श्याम सुंदर हमारे केस में तेल लगाए हैं कटोरा भरी भरी, कटोरा भर भर करके तेल, ये कटोरी से कटोरा बड़ा होता है, छोटे उस बर्तन को कटोरी कहते हैं और उससे थोड़ा बड़ा होता है तो कटोरा कहते हैं, तो कटोरा में तेल भर भर करके श्याम सुंदर लगाए हैं,